महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश भर की 67 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इसी तहत कर्नाटक में भी 15 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन वोटिंग से पहले ही कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन संकट में आ गया है, क्योंकि राज्य में जेडीएस ने 15 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राज्य में उपचुनाव 17 में से 15 सीटों पर हो रहे हैं, जहाँ के विधायक अयोग्य ठहराए गए हैं। उपचुनाव की घोषणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाएंगे और मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। राज्य में वर्तमान भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार थी। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा अधिकारी से अधिक सीटें जीतने की जुगत में लगी हुई है। विधानसभा में भाजपा के पास एक निर्दलीय सहित 105 का संख्या बल है। 17 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद विधानसभा में कुल 208 सदस्य हैं। विधानसभा में कांग्रेस के 66 विधायक हैं, जबकि जेडीएस के 34 विधायक हैं। विधानसभा में एक बीएसपी और एक नामित सदस्य भी है। विधानसभा की वास्तविक संख्या 225 सदस्यों की है और बहुमत के लिए 113 विधायकों की ज़रूरत है। उपचुनाव को लेकर जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि 21 अक्टूबर को कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। मेरे विचार से ये 15 सीटें राज्य के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगी। हमारी पार्टी पहले भी 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर चुकी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।